हिंदी मीन्स इज खुले में शौच करना. आई होप यू सी द म्यूजिक सी द मूवी ऑफ अक्षय कुमार अ टॉयलेट प्रेम कथा. आई नो वेरी वेल सबने देखा था वो मूवी. उसमें सबने देखा था कैसे सोच का विरोध किया गया था खुले में सोच का. ओके सेकंड वन इज रीजंस फॉर ओपन डेफिसिएशन. खुले में सोच करने के कारण क्या कारण होते हैं जिसके कारण हमें खुले में सोच करने जाना होता है. फर्स्ट इज पीपल ऑफन डू नॉट हैव टॉयलेट्स इन देयर हाउस. कभी कभी ऐसा होता है लोगों के घर में टॉयलेट नहीं होते हैं. जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि लोगों के टॉयलेट नहीं थे. बट अभी गवर्नमेंट में अपने सब गांव है सब अवेयर हो चुके हैं सबके घरों में टॉयलेट है. थर्ड टॉपिक इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डेफिसिएशन. खुले में सोच करने के प्रभाव क्या इफेक्ट होते हैं. व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट. आर एनवायरमेंट बिकम डर्टी. ओपन डेफिसिएशन कॉजेज हेल्थ हैजर्ड. फ्यूअर स्मेल इज कमिंग. वी फॉल सिक. सो हमें खुले में सोच नहीं करना चाहिए. इससे हम बीमार हो सकते हैं. सारे इंसेक्ट्स हैं वो सब जगह घूमेंगे हम बीमार हो जाएंगे. सो वी आर नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू एंड ओपन डेफिसिएशन. ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ओपन डेफिसिएशन को एंड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज दैट वी एंड आर गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड दोज पीपल हु नॉट एबल टू बिल्ड अ टॉयलेट इन अवर हाउस. गवर्नमेंट प्रोवाइड द फैसिलिटी. सेकेंड हमारे टॉयलेट में पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए. हर घर में टॉयलेट होना चाहिए. और हमें अवेयरनेस करना है लोगों को बताना है कि टॉयलेट घर में करने से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होता. इसलिए हमें हर घर में टॉयलेट होना चाहिए. देन ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल. आवर नेक्स्ट टॉपिक समानता का व्यवहार करना. ऑल पीपल्स आर इक्वल. कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता सब लोग बराबर होते हैं. वी मस्ट बी काइंड टू ऑल. वी मस्ट ट्रीट द पीपल हु वर्क फॉर अस लाइक हेल्पर्स पियॉन्स ड्राइवर गार्डनर. अगर घर में भी हमारे मेड आती हैं उनसे भी हमें अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए. सब लोगों को इक्वल समझना चाहिए. कोई बड़ा छोटा नहीं होता. वी मस्ट रिस्पेक्ट पर्सन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क. अगर हमारे घर में कोई काम करने भी आ रहा है उन्हें भी रिस्पेक्ट कीजिए. ड्राइवर अंकल आप जब स्कूल जाते हैं उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए. गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट. आई रिपीट अगेन गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. अगर हम किसी को आदर देंगे तो हमें आदर ही मिलेगा. हमें बड़ों से छोटों से सबसे आप करके बात करनी चाहिए. कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. दिस लाइन इज गिवन बाय महात्मा गांधी द ग्रेट पर्सन द फादर ऑफ द नेशन जिन्हें हम प्यार से बापूजी कहते हैं. व्हेनेवर गांधी जी आश्रम एनीवन केम द फर्स्ट वर्क इज क्लीन द टॉयलेट्स. हियर आई राइट डाउन हियर गांधी जी ऑलवेज गिव मोस्ट इंपॉर्टेंस टू टाइडीनेस एंड क्लीननेस. सफाई उन्हें बहुत पसंद थी. व्हेनेवर एनीवन वेंट टू गांधी जी आश्रम जब भी उनकी कोई आश्रम में आता था ही एंड शी वॉज फर्स्ट आस्क्ड टू क्लीन द टॉयलेट्स. उनसे वही कहते थे कि सबसे पहले टॉयलेट साफ कीजिए. व्हेन ही एंड शी यूज्ड टू कंप्लीट दैट वर्क ओनली देन एनी अदर वर्क वॉज असाइंड टू हिम एंड हर. एंड आवर लास्ट टॉपिक इज क्लीनेस मस्ट बिकम आवर हैबिट. क्लीनेस स्वच्छता की अच्छी आदतें. फर्स्ट वन इज व्हेनेवर यू गो टू टॉयलेट यू कम. हम जब टॉयलेट करने जा रहे हैं हमें हमारे हैंड वॉश करनी चाहिए. जहां पर खाना बनाया जा रहा है वहां पे जगह साफ होनी चाहिए. ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स. डेली दिन में टू टाइम हमें टूथ ब्रश करना चाहिए नहाना चाहिए. अगर आपको लगता है तो डस्टबिन इधर कचरा रखा है तो throw the garbage in the dustbin. Do not write on the walls. दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए. हर जगह हमें सफाई रखनी चाहिए. एंड कोई कंपेन चल रहा है
सफाई अभियान चल रहा है तो हमें भी इसमें कॉपरेट करना चाहिए, आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए कि नस बिकम आर हैबिट, इससे हम हेल्थी रहें। आप लिखो कचरे वाले अंकल आते हैं, स्वच्छता का है अभियान, सॉन्ग चलाते हैं, हम सब लोग तस्वीर लेके आते हैं ड्रॉ करने के लिए, ये सबकी हैबिट होनी चाहिए।